संकेत जो साबित करते हैं कि भगवान हनुमान अभी भी जीवित हैं। मित्रों, पवन पुत्र हनुमान उन अष्ट चिरंजीवियों में से एक है जिन्हें अजर अमर का वरदान मिला है। कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान कलयुग के अंत तक इस धरती पर जीवित रहेंगे और वो इस समय भी किसी न किसी पहाड़ी पर बैठकर राम नाम का जप कर रहे होंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई भगवान हनुमान आज भी जीवित है? अगर ऐसा है तो वो कहाँ है? क्या उन्हें किसी ने देखा है? और वो कौन कौन से संकेत हैं जो उनके जीवित होने का प्रमाण देते हैं? आइए मिलकर जानते हैं। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण समय समय पर मिलते रहते हैं, जिनके बारे में जानने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि भगवान हनुमान को अजर अमर रहने का वरदान किसने दिया था और क्यों। दरअसल पवन पुत्र हनुमान भगवान शिव के 8 रुद्रावतारों में से एक है और एक मान्यता के अनुसार नरक चतुर्दशी अर्थात कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। रामचरितमानस के अनुसार जब दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था तो उनकी खोज के लिए भगवान राम ने हनुमान जी को लंका भेजा। जब हनुमान जी माता सीता तक पहुंचे और उन्हें राम जी का संदेश दिया तो इससे प्रसन्न होकर देवी सीता ने अंजनी पुत्र को अजर अमर रहने का वर दिया। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि त्रेता युग में ही जब धर्म की स्थापना करने के बाद भगवान राम बैकुंठ लौट रहे थे तो कलयुग में धर्म की रक्षा करने उन्होंने हनुमान को अमरता का वरदान दिया था। राम जी ने कहा था कि कलयुग में जहां जहां मेरा नाम भजा जाएगा वहां पर हमेशा वो मौजूद रहेंगे और कलयुग के अंत तक मेरे भक्तों और धर्म की रक्षा करते रहेंगे। मित्रों, त्रेता युग में जब धर्म की रक्षा और रावण के वध के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया, उसी समय भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार ने हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। इस रूप में भगवान शंकर ने श्री राम की सेवा की और रावण वध में उनकी मदद भी की। इसके अलावा महाभारत अर्थात द्वापर युग में भी हनुमान जी के होने के कई प्रमाण मिलते हैं। वो अंजनी पुत्र ही थे जिन्होंने भीम की परीक्षा ली थी। साथ ही श्री कृष्ण के आदेश पर उनकी पत्नी सत्यभामा सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान को तोड़ा। इसके अलावा श्री कृष्ण के ही आदेश पर हनुमान जी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सूक्ष्म रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे। यही कारण है कि पहले भीष्म और बाद में कर्ण के प्रहार के बाद भी अर्जुन का रथ सुरक्षित रहा। वहीं कलयुग में भी पवन पुत्र हनुमान के मौजूद होने के कई प्रमाण मिलते हैं। कहा जाता है कि 16वीं सदी में संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए। इससे जुड़ी कथा के अनुसार हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा था कि राम और लक्ष्मण चित्रकूट नियमित आते रहते हैं, मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूंगा, जब राम और लक्ष्मण आएंगे तो मैं आपको संकेत दे दूंगा। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट घाट पर बैठ गए और सभी आने जाने वालों को चंदन लगाने लगे। इसी दौरान राम और लक्ष्मण जी जब वहां आए तो हनुमान जी गाने लगे, चित्रकूट के घाट पे भय संत के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हनुमान की ये वचन सुनते ही तुलसीदास प्रभु राम और लक्ष्मण को निहारने लगे और इस तरह तुलसीदास जी को एक साथ राम लक्ष्मण और हनुमान जी के दर्शन हुए। मित्रों, कहा यह भी जाता है कि जब तुलसीदास की कीर्ति बढ़ने लगी तो इससे प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और कोई चमत्कार दिखाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अकबर के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे क्रोधित होकर अकबर ने तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया। मान्यता है कि तुलसीदास जी जेल में बंद होने के बाद भी हनुमान जी का नाम जपते रहे, जिसके बाद कुछ बंदरों ने उस जेल पर आक्रमण कर दिया और तुलसीदास जी को कैद से छुड़ा दिया। कहा जाता है कि बंदरों के इस फौज में हनुमान जी भी मौजूद थे जो अपने भक्त को बचाने के लिए वहां आए। इसके अलावा आज भी ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पहाड़ियों पर भगवान हनुमान को देखने जाने की खबरें सामने आती है। कहा जाता है कि श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसे कबीलाई लोग रहते हैं जिन्होंने साक्षात हनुमान जी को देखा था। मातंग नाम के कबीले से जुड़े लोग ये दावा करते हैं कि जब भगवान राम बैकुंठ चले गए थे तब हनुमान जी समुद्र लाग कर श्रीलंका पहुंचे। जब तक हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में रहे, इस कबीले के लोगों ने उनकी सेवा की। हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और उन्होंने ये भी वादा किया कि वो हर 41 साल बाद इस कबीले की पीढ़ियों को
ब्रह्म ज्ञान देते आते रहेंगे। इसके अलावा हमारे शास्त्रों के अनुसार आज भी जहां राम नाम जपा जाता है वहां हनुमान जी अवश्य पहुंचते हैं, और जब कल के रूप में भगवान विष्णु इस धरती पर पुनः अवतार लेंगे तब पवन पुत्र हनुमान दूसरे चिरंजीवियों के साथ सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। तो मित्रों, ये थे पवन पुत्र हनुमान के आज भी जीवित होने के प्रमाण। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। इसी के साथ अब मुझे इजाजत दे, मैं फिर लौटूंगा ऐसे ही कुछ और धार्मिक और पौराणिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।